वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको मैंगो श्रीखंड बनाना बताऊंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंगो श्रीखंड बनाते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिसका कि हमें ध्यान रखना है, तो कुछ बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 500 ml मैंने यहाँ पर दही लिया है। दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। दही खट्टा होगा तो श्रीखंड अच्छा नहीं बनेगा। तो जब भी दही जमाएंगे तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि दही खट्टा न हो, और अच्छे दूध का, गाढ़े दूध का ही हमें दही जमाना है। दूध गाढ़ा होगा तो दही भी गाढ़ा जमेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए कितना अच्छा हमारा दही जमकर तैयार हुआ। आप देख सकते हैं कहीं से भी इसमें पानी जो है नहीं छूटा है। ये देखिए बिल्कुल चक्की के जैसा दही जो है हमारा जम के तैयार हुआ है। अब इस तरह का हमें खाली बर्तन लेना है, इस पे हम छलनी रखेंगे इस तरह की। आपके पास यदि ये छलनी न हो तो आप दूसरी भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह की भी आती है, इसमें भी आप बना सकते हैं। या फिर इस तरह की प्लास्टिक की भी आती है, इसमें भी जो है आप दही का पानी निकाल सकते हैं। छलनी के ऊपर हमें एक पतला कपड़ा रखना है। चाहे तो आप मलमल का रख लें या फिर इस तरह की जो नेट आती है वो भी आप रख सकते हैं। इससे जो है दही का सारा पानी आसानी से निकल जाएगा। अब इसमें हम दही डालेंगे। इसकी अब हमें पोटली बनानी है। हमारा दही बहुत गाढ़ा है तो ज्यादा पानी इसमें नहीं निकलेगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत कम पानी जो है निकल रहा है। ऊपर से हमें इसको टाइट पकड़ के इसका पानी निकालना है। अब इसको ऊपर से हम बांध लेते हैं। मैंने इसको अच्छी तरह से बांध लिया है। तो इसको अब हमें फ्रिज में रखना है। बिल्कुल इसी पोजीशन में हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि इसका पानी जो है छलनी से बाहर नीचे बर्तन में आ जाए। एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमें इसको फ्रिज में ही रखना है, बाहर नहीं रखना है। यदि बाहर रखेंगे तो दही जो है खट्टा पड़ जाएगा, और खट्टा पड़ने से हमें शक्कर भी ज़्यादा डालनी पड़ती है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो चलिए 4 से 5 घंटे के लिए इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज से मैंने बाहर निकाल लिया है। तो चलिए इसकी जो गांठ लगाई उसे हम खोल लेते हैं। इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे, और ये जो नीचे का पानी निकला है इसे हम फेंकेंगे नहीं। इसे हम पराठे बना सकते हैं, इडली का बैटर बनाने में भी हम इसे काम में ले सकते हैं। अब जो है इसे मैं एक बाउल में खाली कर लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा जो है हमारा बनकर तैयार हुआ है मस्का, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह का हमें मस्का चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई मस्का है, हमें इस तरह का चाहिए। अब हम एक छलनी लेंगे और पाउडर शुगर डालेंगे। इस तरह हमें छलनी के अंदर से डालते हुए इसको हमें छानना है ताकि कोई भी लम्स नहीं रहे। इस तरह हम इसको छान लेते हैं अच्छी तरह से। इससे जो है शक्कर जो है आसानी से इसमें सेट हो जाती है। एक बार हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक मैंगो पल्प लिया है। आप चाहे तो कोई से आम का भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर हापुस आम का लिया है। तो इसको भी हम एक बार छलनी से छान कर ही इसमें ऐड करेंगे। पल्प के अंदर जो है हमें कुछ भी नहीं मिलाना है, बस आम के बारीक पीसेस करके इसको मिक्सी में पीसना है। तो उसी छलनी से हम इसको भी छान लेते हैं। इस तरह हम इसको छान लेंगे। ये गाढ़ा है इसलिए इसको निकलने में टाइम लग रहा है। 1 मिनट तक हम इसको इस तरह करेंगे तो ये निकल जाएगा। आप देखिए निकल रहा है। नीचे के पार्ट को हम इस तरह निकालेंगे, और सभी को हमें अच्छे से मिक्स करना है। सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसको हमें इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहे तो विस्प का भी यूज ले सकते हैं। इसको अब हम ठंडा होने देंगे। 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। 1 घंटा हो गया है, अब इसे हम ट्रांसफर करेंगे।
अब इसमें हम पिस्ता और बादाम के कतरन से गार्निश करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है श्रीखंड हमारा बनकर तैयार हुआ है। मैंगो श्रीखंड बनकर हमारा तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बना है। आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें। इसे बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि हम जो दही जमाएंगे वो बिल्कुल अच्छे गाढ़े दूध का हमें जमाना है और दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। और शक्कर हमें इसमें पीसी हुई डालनी है और अच्छे तरह से छानकर हम उसमें डालेंगे ताकि ये सेट हो जाए और कोई भी लम्स इसमें नहीं रहे। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका यदि आप ध्यान रखेंगे तो जो है मैंगो श्रीखंड जो है बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा। जब भी मेहमान आए तो हम पहले से ही श्रीखंड बनाकर रख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।